हेलो जी, राम राम जी। सारा ने स्वागत है आपका मेरी एक और नई वीडियो में। और आज की वीडियो बहुत ही यूजफुल, धमाकेदार, मज़ेदार, शानदार, बहुत ही एंडी, मस्त, कती जबरदस्त होने वाली है। इसलिए वीडियो को पूरा देखें और छोटी सी वीडियो होने वाली है, स्किप बिल्कुल भी मत कीजिएगा। और स्पेशली हाउसवाइफ के लिए ये वीडियो है, जो ज़्यादातर समय अपना किचन में गुजारती हैं। तो किचन की बहुत ही मज़ेदार टिप्स मैं आपके साथ लेकर आ रही हूँ, जो आपका काम, मतलब कि घंटों का काम मिनटों में, और मिनटों का सेकंडों में, सेकंडों का काम चुटकियों में होने वाला है। तो बहुत ही मज़ेदार ये वीडियो होने वाली है, छोटी सी वीडियो होने वाली है, इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा। और आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए आए हो तो एक लाल रंग का बटन आपको दिख रहा होगा सब्सक्राइब का, उसको सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को ऑल पर सेट कर लीजिए, ताकि मेरी आगे आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। मेथी में कड़वापन होने के कारण बहुत से लोग इसको खाना पसंद नहीं करते हैं। इसके कड़वापन को दूर करने के लिए हम एक बर्तन में पानी लेंगे, उसके अंदर एक चम्मच नमक डालेंगे और मेथी के पत्तों को उसके पानी के अंदर भिगो देंगे। थोड़ी देर अच्छी तरह से डुबो देंगे और थोड़ी देर इसको 10 से 15 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे। उसके बाद हल्के हाथों से रगड़कर हम मेथी को अलग बर्तन में निकाल लेंगे। और अलग बर्तन में निकालने के बाद इसको साफ़ पानी से हम धो लेंगे। अब मेथी का कड़वापन दूर हो चुका होगा। दूसरा है हरे मटर के रंग को कैसे बचाएं। हम पानी को उबाल लेंगे एक बर्तन में, और इसमें 1 चम्मच चीनी, 1 चम्मच नमक और मटर के दाने इसके अंदर डाल देंगे और अच्छी तरह से इसको मिला लेंगे। 5 से 10 मिनट के लिए इसको छोड़ देंगे। जब मटर सारी ऊपर आ जाएंगी पानी के, तो इसको हम एक अलग से बर्तन में निकाल लेंगे। अब ये जो है मटर हमारा तैयार है। अब है बारी लहसुन को छीलने की, आसान सी ट्रिप्स की। एक बर्तन में हम 1 कप पानी ले लेंगे, उसके अंदर लहसुन की कलियों को डाल देंगे और 10 से 15 मिनट के लिए इसको भिगो कर रख देंगे। और उसके बाद इसको छील लेंगे, तो ये बहुत ही आसानी से, बहुत ही कम समय में हमारा जो लहसुन है वो छील के तैयार हो जाएगा, झटपट मिनटों में। और नेक्स्ट है हरी चटनी का रंग कैसे बरकरार रख सकते हैं। हम थोड़ा सा धनिया लेंगे और उसके अंदर थोड़ा सा पुदीना लेंगे, हरी मिर्च लेंगे, लहसुन की कलियाँ ले लेंगे, अदरक ले लेंगे और नमक और दही ले लेंगे। पानी थोड़ा सा डाल देंगे उसके अंदर और उसको अच्छा चिकना बढ़िया तरह से पीस लेंगे। और ये है हमारी चटनी का हरा बढ़िया रंग, और हमारी चटनी